खबरें ठाणे मुमरा दीवा की। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम आपको ठाणे मुमरा दीवा की खबरें एक साथ संलग्न रूप से दिखा रहे हैं। पहली खबर ठाणे से, राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हफ्ता वसूली के आरोप लगाने के बाद अचानक गायब हुए पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह दो दिन से अवतरित हुए हैं। शुक्रवार को वो ठाणे स्थित ठाणे नगर पुलिस स्टेशन पहुंचे। एक एक्सटॉर्शन का यानी हफ्ता वसूली का मामला उनके खिलाफ यहीं पर दर्ज किया गया है और इसके लिए ठाणे पुलिस ने ठाणे पुलिस आयुक्त जयजीत सिंह के निर्देश पर एक एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है, जिसके मुखिया है जोन वन के पुलिस उपायुक्त अविनाश अंबूरे। उनके माता जी जांच होने वाली है। तो ठाणे नगर पुलिस स्टेशन में किस तरीके से पहुंचे परमवीर सिंह, देखिए। अभी भी तीन तीन एक्सटॉर्शन के मामलों में आरोपी होने के बावजूद कैसे लाल बत्ती कायम है। वहीं दूसरी खबर हम आपको बता रहे हैं, मुमरा में मुमरा पुलिस स्टेशन से सटे हुए बाबा साहेब अंबेडकर चौक पर 26/11 के मुंबई के हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित था और इसमें उनके निमंत्रण पर हाजिरी लगाई मुमरा पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक अपराध गीताराम शेवाले। तीसरी खबर दीवा से है। दीवा में बिजली नहीं थी कुछ इलाकों में, तो उन इलाकों की महिलाओं ने टोरंट के दीवा स्थित कार्यालय पर किस तरह से हंगामा किया, देखिए दीवा की महिलाओं का ये हंगामे का वीडियो। अरे जाओ ना, लाइट भी क्या होता है, तुम तो बोलो लाइट बोल रहे आप उनको बताइए Thank you.